हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके पैरस चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स ट्रेलर पे। तो दोस्तों, आज हम बात करें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आया जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। तो यहाँ पे देख रहे सकते हैं, यहाँ पे जो है एडवर्टाइजमेंट आई इन्वाइटेड फॉर टीचिंग पोस्ट, ठीक है? तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर है वहां से जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है फॉर द टीचिंग पोस्ट। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये जो एडवर्टाइजमेंट ये 4 फरवरी 2021 को रिलीज किया गया है और यहाँ पे जितनी भी पोजीशंस आपको देखने को मिलेगी वो सारी रेगुलर टीचिंग पोस्ट है, ठीक है? तो ये एक टाइप की परमानेंट पोस्ट है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी बात यहाँ पे ये दे रखी कि यहाँ पे जो नेम और डिपार्टमेंट सारा मेंशन कर रखा है। इसके अलावा जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, तीनों में कितनी कितनी जो पोस्ट है वो वैकेंट है वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे प्रोफेसर के लिए टोटल जो है वैकेंट पोस्ट 14 है सारे सब्जेक्ट्स में। वहीं अगर बात करें एसोसिएट प्रोफेसर में तो यहाँ पे वैकेंट पोस्ट 22 है, और अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की तो यहाँ पे वैकेंट पोस्ट 29 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे पोस्ट को मेंशन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें बॉटनी, तो बॉटनी में अभी एससी में 1 वैकेंसी है फॉर प्रोफेसर। वहीं अगर बात करें एसोसिएट प्रोफेसर में तो यहाँ पे जो 1 है अनरिजर्व में, 1 एससी में, 1 ओबीसी में। वहीं अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की तो यहाँ पे लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर की तो यहाँ पे 2 वैकेंसीज अनरिजर्व यानी जनरल, 1 एसटी के लिए। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जो लाइक कैटेगरी है उनमें कितनी कितनी पोस्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप जो हैं अपने एप्लीकेशन को भर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हों आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन जो पे स्केल रहेगा वो आपका रहेगा एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 एंड एमपी स्टेट गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी। अगर आप एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे तभी आपका एप्लीकेशन जो है यहाँ पे सक्सेस होगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है अगर आप जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं का आप रिजर्व पोस्ट चाहे वो ओबीसी एससी एसटी हो तो आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ जो है वो पे करना है और आपको सेंड कर देना है रजिस्ट्रार जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर 4740001 बिफोर 8 मार्च। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट मेंशन कर रखी है इन्होंने वो 8 मार्च तक जो है आपको आपका जो एप्लीकेशन वो पहुँच जाना चाहिए। तो आपको अपने एनवलप में मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, चाहे आप प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो आप यहाँ पे मेंशन करिए। साथ ही साथ आप अपना जो सब्जेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो है आपका लाइक एमपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, चाहे वो ओबीसी का हो, ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारा जो है आपको यहाँ पे जो है अप्लाई कर मतलब सेंड करना होगा, ठीक है? तो आई होप आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाइएगा। तो अगर आपको इससे भी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।